कर्ज के बोझ से दबे किसानों के लिए इकोनॉमिक सर्वे एक और बुरी खबर लेके आया है। सर्वे के मुताबिक क्लाइमेट चेंज से अगले साल खेती को 25% तक नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य पर काम कर रही मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि एग्री सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ सावधानियों से क्लाइमेट चेंज का भी मुकाबला किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए, सरकार 2022 तक किसानों की आय कैसी दुगनी करेगी, इस सवाल का जवाब आज वित्त मंत्री अपने बजट में दे सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से ये बात तो साफ हो गई है कि सरकार किसानों को लेकर फिक्रमंद है, लेकिन इसके उपाय क्या होंगे, इसका जवाब तो वित्त मंत्री ही देंगे। In agriculture, there are short-term challenges, there are medium-term challenges, and you know, the climate change is a medium-term challenge. And I think there, the key thing is that we need to have mechanisms that will prevent farmers against the downside. Economic survey में इस बात की आशंका जताई गई है कि लगातार बदलते मौसम, यानी climate change से अगले साल खेती को 25% तक का नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो किसानों की आमदनी दोगुनी होने के बजाय कम हो जाने का डर है। लक्ष्य बड़ा है और चुनौतियां भी कम नहीं है। सरकार ने साल 2020 का लक्ष्य रखा है कि वो किसानों की आय दोगुनी कर देगी, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में चिंता भी जता दी है कि मौसम की मार की वजह से किसान और खेती पर काफी नुकसान होने वाला है और 25% फसलों का नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली ये खेती, ये कैसे विकसित होती है और किसानों की कमर टूटने से कैसे बचती है, ये देखना होगा। सरकार के लिए चुनौतियां है। पिछले 3 साल में अरहर, आलू, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली से लेकर आलू प्याज की पैदावार बढ़ने के बावजूद किसानों को उसकी लागत नहीं निकल रही है। किसानों ने इस बार खरीफ और रबी दोनों फसल के लिए फूंक फूंक कर कदम रखे हैं। एक अनुमान के मुताबिक क्लाइमेट चेंज से किसानों को 3,600 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। क्लाइमेट चेंज जो है क्राप के जो विकास के होता है उसके दर को निर्धारित करता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्राप का जो मेनली है उसका जो ग्रोथ ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाता है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, और उसी की बात इकोनॉमिक सर्वे में भी कही गई है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आ रहे हैं, रेन पैटर्न्स में जो चेंज आ रहा है, उसके कारण ये जो 700 लाख हेक्टेयर ज़मीन है जो जिसमें इरीगेशन का कोई कनेक्शन नहीं है, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है और उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। किसानों को भारी नुकसान की आशंका के बीच उनकी आय दोगुनी करने की कोशिश मोदी सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा। वित्त मंत्री को इनके बीच बैलेंस बनाना शायद बजट की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। सुमन अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।